अपने बाबा की 10 एकड़ जमीन है मेरे पास। उनके जमाने में बिना उर्वरक के कितनी उपज हुआ करती थी। जब से मैंने संभाली, पहले की 1-2 बोरी में 5 साल तक बहुत बढ़िया उपज थी। उसके बाद 5-6 बोरी डालने के बाद भी पहली वाली बात नहीं है। सही बात बोला बेटा, मेरे साथ भी यही हो रहा है। आप लोगों ने गौर किया कि अपना जो चौधरी साहब का बेटा है ना, अनमोल, हाँ अनमोल, उसके पास सिर्फ 5 एकड़ का जमीन है, लेकिन उसकी फसल लहलाती है और मेरे से ज्यादा उपज देती है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना, मार्केट में दाम भी अच्छा मिलता है। चलो एक काम करते हैं, हम उसके खेत पे जाएंगे और देखते हैं वो क्या चमत्कार करता है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो चलो। अनमोल, अरे चाचा, इसमें कोई राज की बात तो है नहीं। इसमें मैं बस अपने दादाजी की दी हुई सूझबूझ से काम लेता हूँ, जिससे बढ़िया उपज होती है और मेरी जमीन भी खुशहाल रहती है। उन्होंने मुझसे कहा था, मैं तुम्हें उपजाऊ जमीन दे रहा हूँ और बदले में तुम्हें अपने बच्चे और पोते पोतियों को उपजाऊ जमीन देनी है, ताकि ये जमीन अपने हर पीढ़ी का पोषण कर सके। उस दिन से हर दिन मैंने इस जमीन की परवरिश अपने बच्चे की तरह की है और इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा है। इसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और खास तौर से कौन सा उर्वरक चाहिए। हाँ अनमोल, थोड़ा विस्तार से समझाओ ना बेटा। अरे चाचा, मैं नियमित रूप से अपनी मिट्टी की जांच करवाता हूँ। मिट्टी की जांच, इसके क्या फायदे हैं? अरे इससे जमीन की उर्वरता का पता चल जाता है। इसके आधार पर कौन सा उर्वरक या पोषक तत्व तो सही रहेगा, इसका पता चल जाता है। और साथ ही साथ अंधाधुन उर्वरक इस्तेमाल करने से जमीन को बंजर होने से बचाया भी जा सकता है। बेटा, हम तो खेती में सिर्फ यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा तुम क्या क्या इस्तेमाल करते? अब मैं बोलूंगा, आप सुनिए। जब मिट्टी की जांच करवाओगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी जमीन पर उग रही फसल को कौन से पोषक तत्व और कितनी मात्रा में चाहिए। कुल मिलाकर 16 पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पानी और हवा से मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जमीन के प्राथमिक पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर गौण पोषक तत्व हैं, और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम भी जमीन को और बेहतर और उपजाऊ बनाते हैं। इन पोषक तत्वों को कहां से पाया जा सकता है? इनके 3 स्रोत हैं। पहला केमिकल फर्टिलाइजर, दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और तीसरा बायो फर्टिलाइजर। पहला, केमिकल फर्टिलाइजर कई तरह के होते हैं जो प्राथमिक, गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एन फर्टिलाइजर यूरिया, पी फर्टिलाइजर एसएसपी, टीएसपी, एनपी फर्टिलाइजर डीएपी, नाइट्रोफॉस्फेट 28-28-0, 20-20-0, एनपीके फर्टिलाइजर 15-15-15, 10-26-26, 12-32-16, एनपीएस 20-20-0-13, 24-24-0-8, 16-20-0-13। गौण पोषक तत्व प्रदान करने वाले उर्वरक बेंटोनाइट सल्फर, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोरेक्स, आयरन सल्फेट। दूसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैविक खाद प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाने से बनाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे गोबर खाद, हरी खाद, फसल का कचरा, कंपोस्ट तथा काली इत्यादि। इसको इस्तेमाल करने से कई फायदे मिलते हैं, जैसे जमीन की नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है, जमीन की प्राकृतिक क्षमता और पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होती है, अच्छी मिट्टी जल या वायु से कटाव का विरोध करती है और जरूरी पोषक तत्वों की संख्या बढ़ाती है। केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव समृद्ध खाद और शहरी कचरे की खाद, ये सभी जैविक खाद के अच्छे स्रोत हैं। साथ ही फसल अवशेषों को जलाए नहीं बल्कि उसका प्रबंध कृषि संरक्षक पद्धतियों द्वारा खेत में या उसके बाहर
कंपोस्ट या बायोगैस संयंत्र बनाने में करें। मृदा जैविक खाद कार्बन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो अच्छी वातन, जल धारण क्षमता, मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने और मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा, बायो फर्टिलाइजर। इनमें जीवित अवस्था में विद्यमान जीवाणु होते हैं, जिनको बीजों, मिट्टी या पौधों के हिस्से पर लगाने से पोषक तत्वों का ग्रहण बढ़ जाता है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। आमतौर पर मिलने वाले बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम, एजोबैक्टर, पी सॉल्युबिलिटी बैक्टीरिया, वैम वगैरह है। बायो फर्टिलाइजर डालने से उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और पौधों को जल की उपलब्धता बढ़ाते हैं। अनमोल बेटा, तुम क्या ये कह रहे हो हमें इन सब खादों का इस्तेमाल करना है? हाँ, लेकिन एक साथ नहीं, जब जिसकी जरूरत हो सिर्फ वही। अच्छा, खुद का ही पोषण ले लो। सिर्फ दाल खाने से काम नहीं बनेगा, रोटी भी चाहिए। और फिर दाल और रोटी खाओगे तो सब्जी का पोषण कहाँ से मिलेगा? और तो और, थोड़ा अचार भी चाहिए। ठीक इसी तरह तुम्हारी जमीन को भी संतुलित पोषण चाहिए। इससे पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाती है और उर्वरक का भी संपूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है। फिर क्या, उपज ही उपज, ज्यादा फसल, बढ़िया गुणवत्ता और पूरे दाम। साथ में जमीन भी एकदम खुश और वातावरण भी साफ। अगर तुम ज्यादा यूरिया बिना मृदा परीक्षण के डालते हो तो उसके भयंकर परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, जैसे जमीन की उर्वरता में कमी आना, फसली बीमारियों और कीड़ों का आक्रमण होना, खाद की पोषक क्षमता की कमी होना, भूमिगत जल का प्रदूषित होना और मिट्टी के पोषक तत्व में भारी गिरावट आना। अनमोल, तुमने सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बताया, और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है? सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत छोटी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फल, फूल, सब्जी और अनाज के पैदावार में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ खास सूक्ष्म पोषक तत्व भारतीय मिट्टियों में हमेशा से कम पाए जाते हैं, जैसे जिंक, बोरॉन। जिंक की कमी से खायरा नामक बीमारी धान की पैदावार को कम कर देती है और बोरॉन की कमी से फल और फूल की पैदावार में कमी आ जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व को अगर फसल के शुरुआत में छिड़काव से डाला जाए तो पैदावार और क्वालिटी दोनों में बेहतरी होगी। बिखेरने की अपेक्षा टपक पद्धति फर्टिगेशन, पत्तियों के द्वारा फोलियर अथवा बीज के साथ उर्वरकों का उपयोग करने से उर्वरक दक्षता में सुधार होता है। हाँ, अब समझ में आ गया। ऑर्गेनिक बायो और केमिकल उर्वरक से बना हुआ एक संतुलित पोषण, यही वो मंत्र है जो हमारी फसल को और हमारी धरती माँ को सदा सुरक्षित रखेगा। हाँ, और उपज को बरकरार रखेगा। इससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को पोषित करती रहेगी। अनमोल बेटा, हम सबको एक रास्ता दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छी मृदा स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ पौधा और गुणवत्तापूर्ण भोजन, जो मानव और पशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा 500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी और DBT के माध्यम से उर्वरक पर सब्सिडी का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निकटतम कृषि अधिकारी या मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से संपर्क करें। अब हम भी हमारी मिट्टी की जांच नियमित रूप से करवाएंगे और उचित उर्वरक और उचित मात्रा से अपनी मिट्टी को पोषित करेंगे।